अभी ये देखें, मीसम ने और जयान ने सेम ड्रेसिंग की हुई है, ठीक है। और जयान के मुंह से ये चूसनी नहीं निकल रही। और अभी हम ना पैनकेक्स का आज नाश्ता करेंगे, और अभी कुछ बन रहे हैं और चाय वगैरह बनाने लगी हूँ। और अच्छा, अंडे बॉय। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सबको। हम ब्रेकफास्ट करने लगे हैं, ये देख सकते हैं आप, पैनकेक, बटर, और ये मीसम को करवा रही हूँ मैं ना, और ये हमारा पड़ा हुआ, मैं हम अभी रेडी करी बाकी चीज़ें, ये देख सकते हैं। हेलो माहम, मीसम ना मुझे देख के शर्माता है। हाँ, क्या बना रही हो? चाय? चाय बना रही हूँ यार। और एग्स रखे हैं बॉयल होने के लिए। बड़ा टाइम लग रहा है। आज ट्राई करें बाहर निकलने की कहीं, अगर तुम कहती हो। बारिश हो रही है। ओ, फिर कल का करते हैं। नहीं, आज ही कोशिश करेंगे। ये देखें, ये अभी मुझे कह रहेगा गोद में उठाओ इसको, उसने देखा जयान गोद में है। हाँ, हमने ये आलू चनों की चाट बना के ना, तो ये साथ में चिप्स खाई है, फिर साथ में हमने ये बनाना शेक बनाया था, और इतना मज़ा आया। हमने बर्गर की पैटीज बनाई हैं, बर्गर बनाने लगे हैं ना, और फिश मैंने निकाल के रखी है, फिश बर्गर बनाएंगे, और ये पैटीज ये वाली भी अंदर ऐड करेंगे, और चिकन टेंडर्स भी मैंने निकाले हैं, और वो भी हम बनाएंगे। और अक्सा उतर मीसम के कपड़े चेंज कर रही है, जोया ये है, और जयान मेरी गोद में है, मुझे बहुत तंग कर रहा है आज। यहाँ पे मैं और अक्सर रात का ना डिनर कर रहे हैं, मैंने बर्गर्स बनाए थे और चिकन टेंडर्स बनाए थे। टाइम रात के 11:30, और हम लोग ना सो गई है, और जयान और अपने टॉयज के साथ खेल रहे हैं, और मैं और अक्सर इनका बैठ के इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी बेटे, बड़ा तंग करते हो मुझे। रोनी शक्ल, लोनी शक्ल, लोनी चक्कर, टप्पर खाएगा मम्मा जी, टप्पर खाएगा मम्मा जी, टप्पर खाएगा प्यारे। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हुई है, आज है हमारा थर्ड डे, और अच्छा ना जाने की बातें कर रही है वो ना, मेरे ना वो लड्डू बनाने हैं ना, इसलिए ऑर्डर। अच्छा के ना लड्डू के ऑर्डर्स आए हुए हैं, इसलिए अच्छा ने जाने। बेटा मैं आपको देती हूँ, और अभी हम नाश्ता कर रहे हैं, और चाय मेरी बन रही है, और बस ये लड्डू बना के ना आज जाएगी, और कल दोबारा वापस आ जाएगी, ठीक है ना। सुबह के टाइम ना डेली मैं इनको एक पारा लगा के देती हूँ तलावत का, एक पारा डेली का हम सुनते हैं, और माशाल्लाह से ना मैं, मुझे मेरी आदत है शुरू से ही कि मैं ना एक महीने में ना एक कुरान ख़त्म करवाती हूँ घर में ऊंची आवाज़ में तलावत पे। तो अगर आप लोगों को भी ये चीज़, ये आदत अच्छी लगे, तो आप लोग भी इसको अडॉप्ट करें, क्योंकि इसे बहुत सुकून मिलता है कि आपकी सुबह का आगाज़ ऐसा होता है, और आपके बच्चे फिर सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, और ये आपस में लड़ते भी बहुत हैं। क्योंकि जानू मेरे गए हुए हैं, तो मैंने तो खाने बनाने घर में बंद किए हुए हैं, बस डेली मैं कभी मटरों वाले चावल बना लेती हूँ, कभी चनों वाले, कभी चिकन का पुलाव, बस यही कुछ बन रहा है। वैसे चावल खाने फरहान को पसंद नहीं है, तो मैं वो जब होते हैं घर पे, तो फिर तो घर में तीन तीन सालन बनते हैं, वो नहीं चावल शौक से खाते। और साथ में मैंने ये आलू चने बनाए हैं, और ये मैं खाना खाने लगी हूँ, और ये शामी कबाब मैंने पहले से मतलब बना के फ्रीज़ किए होते हैं फ्रीज़र में, जब ख़त्म हो जाते हैं फिर दोबारा बना के रख लेती हूँ। तो खैर, ये आज का मेरा खाना है, और बाहर मौसम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, अब नॉर्मल वेदर है। मुझे ना टिकटॉक पे बहुत लोग कह रहे हैं कि आप ना आजकल व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रही, तो यार हस्बैंड मेरे घर पे थे, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रहती थी, खाने बनते रहते थे, बाहर अंदर हम लोग बहुत निकलते थे, अब वो घर पे नहीं है, तो मैंने खाना भी बनाना कम किया हुआ है, मतलब मैं मुश्किल से, मुझे आदत है बहुत ज़्यादा राइस खाने की, तो मैं कभी पुलाव बना लेती हूँ, कभी चनों वाले चावल, कभी मटरों वाले चावल, लेकिन मैं यही कुछ बना रही हूँ, खाना बहुत कम बना रही हूँ। दूसरा ये कि बाहर अंदर नहीं निकल रहे, तो व्लॉग क्या बनाऊँ, इसलिए आप लोग कहते हैं व्लॉग्स अपलोड नहीं करें, क्या व्लॉग अपलोड करूँ, कोई रूटीन ही नहीं है, सारा दिन बैठ के टीवी देखते रहते हैं बच्चों के साथ, या प्लीज़ बैठे टीवी देखते रहते हैं, या मतलब इनको संभालते रहते हैं, मुझे बहुत तंग करते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं। और हस्बैंड घर पे ना हो तो कुछ भी नहीं होता, लिटरली खाने भी नहीं बनते। आज ना शबे मेराज की रात है रात को, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा हलवा बनाया बच्चों के लिए, और ख़ुद मैंने ये समोसा खाने लगी हूँ, और हस्बैंड मेरे ना आने वाले हैं, कि आज नहीं आएंगे, कल नहीं, कल आज 7 है, हाँ कल आ रहे हैं वो वापस। अल्लाह यार, एक तो इन पार्सल्स ने मुझे बड़ा जलील किया हुआ है, मेनली ना मुझे इनको ना आने पे प्रॉब्लम इसलिए होना शुरू हो गई, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाना बिल्कुल नहीं पसंद, कि हर वक्त मैं वीडियोस बनाती रहूँ। खैर, फिर आ गया एक पार्सल जिस पर मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। और बाहर मौसम देखें, धूप निकलना शुरू हो गई है, लेकिन
सर्दी भी है अभी फिलहाल ना बहुत ज्यादा। और यार ये वाला व्लॉग तो आप लोगों को कोई मिलेगा मतलब के 15 डेज बाद, मतलब कि ये पूरे कोई समझ लेंगे कोई 10-12-13 डेज का व्लॉग मिक्स हो के, क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं थे तो कहीं गए नहीं हम लोग। मैं उनके साथ कहीं इधर उधर जाती थी तो व्लॉग्स बनाती रहती थी और फिर साथ में अपलोड करती रहती थी डेली की, आपको पता कितनी। अब वो घर पे नहीं थे तो वीडियो किस चीज़ की बनाती थी, बनाने के लिए कुछ था ही नहीं वीडियो, बस यही था कि बच्चे के देखें बहुत गंदा हालत है। दिन में 2 से 3 बार मैं क्लीनिंग करती हूँ, ये मैंने सुबह क्लीनिंग की है और ये हाल हुआ पड़ा है ये देखें। और फिर मैं अब शाम को सोने से पहले एक बार क्लीनिंग करूँगी क्योंकि ये बहुत गंद डालते हैं। और ये पीछे वाला इनका जो एरिया जहाँ पे इनके टॉयज पड़े हुए हैं और ये देखें टॉयज से कैसे भरा भरा है, और यहाँ पे भी इन्होंने बहुत गंद डाला हुआ है। और ये इनका हमने डे बेड रखा हुआ है, नीचे सेट किया हुआ है, और रूम्स ना हमारे सारे ऊपर हैं, 4 रूम्स हैं ठीक है। और ये देखें यहाँ पे ना वो जो पार्सल आए हुए थे ना, वो वाले पार्सल इतने इकट्ठे हो गए हुए हैं कि ना अब मैंने ये बैग ना पाकिस्तान के लिए अभी से रेडी करना शुरू हो गई हूँ। जाना मैंने 1 ईयर बाद है, हाल चेक करें मेरा, जाना मैंने 1 ईयर बाद है। और पार्सल ना मैं अभी से ही देखें बैग में ना सामान भरना शुरू हो गई हूँ। ये एक बैग फुल हो भी गया है और ये दूसरा बैग भी इसी चक्कर में रखा हुआ है। मैं सोच रही हूँ जब मैं जाने वाली होंगी तो अपने कपड़े कहाँ पे रखूंगी, मतलब पहले से भी बैग्स फिल होना शुरू हो गए हैं। तो ना आए ये ना मिल के पार्सल बाहर से उठाते हैं, और ये मेल्स भी आई हुई हैं कुछ, और ये पार्सल उठाते हैं। इसमें ना कोई ड्रेस है, हाँ ये जो ड्रेस वाले ब्रांड्स है ना इनको मैं इतनी पसंद आ गई हूँ कि ना ये मुझे इनकी एक वीडियो बनाऊँ ना तो ये मुझे बार बार फिर अपने ड्रेसेस खुद ही भेजते रहते हैं पूछे बगैर। मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, बेचारों की शायद एडवर्टीजमेंट हो जाए इस तरह, खैर। और ये अभी मैं फिर से ना चनों वाला पुलाव बना रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ राइस खाना पसंद है। मैं इनको बाहर लेके आई हूँ तो ये दोनों ओवर हुए पड़े हैं, इतने दिनों बाद बाहर निकले हैं। जोया लुक हियर, जोया के मैं टैग उतारना ही भूल गई हूँ जैकेट का। इसकी ना नई जैकेट थी, सारा विंटर गुजर गया और ना जैकेट उसमें क्लोजेट में पड़ी रही है। जयान बेटे नो। और बहुत सारे लोग मुझे टिकटॉक पे पूछते हैं कि आपकी वीडियोस कौन बनाता है, ये अंकल बनाते हैं मेरी वीडियोस। ये हर वक्त ना मेरे साथ होते हैं, मैं इनको साथ रखती हूँ तो ये बनाते हैं। लोग समझ रहे होते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरी वीडियोस बनाते हैं, यार मेरे हस्बैंड इतने वेले हैं कि वो मेरी वीडियोस बैठ के बनाते रहे, मतलब उनको जिंदगी में कोई काम नहीं है। ये घर, ये हमारा लाइफस्टाइल उन्हीं की वजह से चल रहा है, उन्हीं की वजह से वो मतलब जाहिर है वो तो इतना बिजी होते हैं कि वो तो ज़रा भी नहीं हमारे पास। मैं जब उनको वीडियोज़ में थोड़ा बहुत लेके आती हूँ वो भी बड़ी मुश्किल से लेके आती हूँ, ज़रा सा उनको कहती हूँ टाइम निकालें। जोया जयान तो ये हमारी वीडियोस मतलब मेरी वीडियोस ना ये बनाते हैं, और पीछे मेरा घर आ रहा होता है तो ना मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप ना रियल घर दिखाया, आपने पीछे फिल्टर लगाया होता है। यार हद हो गई है। ये फिल्टर थोड़ी है, ये घर है यार, ये देखें लोगों के भी घर हैं, ये देखें लोगों के, ये लोगों का घर है, हमारे नेबर्स हैं, वो देखें सामने भी नेबर्स हैं। लोग मुझे कह रहे होते हैं टिकटॉक पे स्पेशली कि आपने ना पीछे फिल्टर लगाया, आप अपना रियल घर दिखाएं। हद है यार, हद है, यहाँ पे सबके घर ऐसे हैं। जोया व्हाट आर यू डूइंग, और ये वाला हमारा घर ना बिल्कुल रोड के ऊपर है तो ना यहाँ पे हम बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे सकते, मतलब ये मेन रोड है और बहुत ज़्यादा चलती रोड है तो बच्चों को ना हम ज़्यादा बाहर नहीं निकलने दे सकते, तो इस वजह से हमने वो वाला दूसरा घर भी बाय किया है, मतलब जो हम दूसरे घर में जाते हैं ना अपने वाइट हाउस में, इस वजह से भी बाय किया। और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने वहीं पर मूव कर जाना है और इसको ना हमने रेंट पर दे देना है, क्योंकि दो घरों में तो नहीं हम अब रह सकते। जैसे जोया स्कूल गोइंग हुई तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी, हम बार बार कहीं उधर तो नहीं जा सकते, तो इसलिए फिर इसको हम रेंट पे दे देंगे और रहेगा इंशाल्लाह, ये हमारा घर ही ऑब्वियसली हमारा है तो हमारा ही रहेगा, लेकिन हम इसको रेंट पे किसी फैमिली अच्छी फैमिली को देख के देंगे, अभी नहीं कोई समझ लें कि जोया साल दो साल बाद नहीं कोई जोया अभी 3 ईयर्स की हुई है ना, जोया बी केयरफुल, जोया ने ना 5 ईयर्स के एज में स्कूल जाना है तो फिर तब जोया बेटा को गिराना देना, तब हम मूव करेंगे उधर। जयान ना मेरा बेटा ना, तो फिर हम इंशाल्लाह वहाँ पे परमानेंट मूव कर जाएंगे, अभी तो हम आते जाते हैं ना, जब जोया 5 ईयर्स की हो जाएगी ना
फिर तो मैं आपको अपनी शक्ल भी दिखाती हूँ। आप कहेंगे अपनी शक्ल तो लेके ही नहीं आती, तो मैं आपको अपनी शक्ल दिखाती हूँ। ये हूँ मैं। मैंने ना ये हैट पहन के ना तो कुछ टिकटॉक बनाई है बाहर आके, और सर्दी बहुत ज़्यादा है, और पता है ये बात बहुत मैटर करती है कि आपका मूड अच्छा हो तो भी आप कुछ करते हैं लाइफ में, अदरवाइज आप नहीं करते। पिछले डेज में मैं व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मेरा व्लॉग मतलब मूड ही था, दिल नहीं करता तो कुछ करने का यार, इतनी ठंड लगती थी। अब शुक्र है कि अब मैं थोड़ा लाइफ की तरफ वापस आई हूँ, मतलब कि व्लॉगिंग की तरफ वापस आई हूँ। मुझे टाइम भी नहीं मिलता था पहले, एडिटिंग करने का भी नहीं टाइम मिलता था। ज़ोया लेट्स गो इनसाइड, लेट्स गो इनसाइड। तो अब हम घर के अंदर जाने लगे क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है, और यहाँ की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यार घर में आप जाएँ तो आप अच्छा फील करते हैं कि सर्दी का नामो निशान नहीं होता घर में। घर में तो बल्कि आज ना सर्दी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो फिर हमने ना वो AC ऑन भी कर लिए हुए हैं। हमने घर में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो हमने AC ऑन कर लिया। तो ये देखें हम घर में हम आ गए हैं, तो घर में मतलब इतना ज़्यादा आज तो हमने AC चला लिया होगा, ठीक है हम बना। तो ये चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है, पाकिस्तान में तो सर्दियों में बंदा पागल हो जाता है। और बस तो गाइस फाइनली वदीन आ गया, जब मेरे हस्बैंड आ रहे हैं तो मैं ना उनके लिए चिकन कौरमा बना रही थी। उन्होंने मुझे कहा है कि चिकन कौरमा बनाना है तुमने, और कहते हैं कि बिल्कुल नेशनल के डिब्बे को ना फॉलो करके बनाना सेम वैसा। तो यस आई एम मेकिंग चिकन कौरमा फॉर हिम। ओके आई एम कमिंग। मेरा ना कौरमा रेडी हो गया आप देख सकते हैं, और मैं ये ना अदरक डालने लगी हूँ इसके ऊपर, बताएं कैसा रेडी हुआ है। तो गाइज आज के लिए इतना ही था। आज का ये जो व्लॉग है ना, ये समझ लें कि कोई 12-13-14 डेज का व्लॉग है जो इतना सा बना है, क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं थी, कुछ भी नहीं हमने किया। खैर आज रात को मेरे हस्बैंड पहुंच जाएंगे घर, रात को लेट नाइट आएंगे वो। कोई कह रहे थे कि बच्चे जब सो जाएंगे तब पहुँचूँगा 1-2 बजे, ठीक है। तो वो आते हैं और फिर हम क्या करते हैं, और उसके बाद वैलेंटाइंस डे आ रहा है, वैलेंटाइंस डे की पार्टी होगी, सब कुछ वो सब कुछ आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाया जाएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छा हुक्मरान सेलेक्ट करें, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करें, हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ करें, क्योंकि बस अल्लाह ताला बस सब कुछ अच्छा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।